नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। दोस्तों बात की जाए इस समय कावेरी और दामिनी की, तो दोनों इस समय गुरु माँ के पास में जाती हुई नजर आ रही हैं। वो गुरु माँ के पास में जाकर सीधा सीधा बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि जैसे हमने तुलसी को मौत के घाट उतारा था, वैसे ही हमें अब राधा को भी मौत के घाट उतारना है। लेकिन वो ये चीज़ भूल चुकी हैं कि तुम्हारे पीछे पहले से ही तुलसी लगी हुई है, क्योंकि तुलसी को इस बात का क्लू देखना था कि आखिरकार ये गुरु माँ है कौन जो इतनी बड़ी साजिश खेल रही है हमारे घर में। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि दामिनी जो हरकत कर रही है वो वाकई में बहुत ज़्यादा घटिया और बहुत ज़्यादा गिरी हुई हरकत है। लेकिन दोस्तों कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से बात की जाए इस समय कावेरी की, तो वो इतना घटिया जो खेल खेल रही है जल्दी ही उसका पर्दाफाश होने जा रहा है। क्योंकि उसे लग रहा था दामिनी को कि हम राधा और मोहन को अलग अलग करके इस जग जीत लेंगे, लेकिन दोस्तों अब मोहन पूरी तरीक़ा से राधा के साथ है। क्योंकि मोहन ने बोल दिया है कि राधा मैं देखता हूँ तुम्हें कौन इंसान कैसे चैलेंज करता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये मेरी तुम्हारे लिए जुबान है, ये जुबान कभी भी झूठी नहीं जाएगी। और वाकई में दोस्तों इस समय कहानी में पोस्ट आता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीक़ा से भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक दिलचस्प मोड़ लेकर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि मोहन की माँ इस समय बोलती हुई नज़र आने वाली है मोहन से कि बेटा मान या मत मान मोहन, लेकिन हमें इस दामिनी पर पूरा शक है कि ये हमारे परिवार को पूरी तरीक़ा से ध्वस्त करने आई है। क्योंकि उसका प्लान हमें समझ आने लगा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरी तरीक़ा से इसका प्लान हमें समझ आ रहा है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज कैसे लग रही है मेरी वीडियो। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।